वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलेटेड केबल्स के बारे में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादातर ओवरहेड लाइंस का यूज़ करते हैं, बट कुछ जगहों पर ओवरहेड लाइंस प्रैक्टिकेबल नहीं होता है, जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया, मेट्रो सिटीज़, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, उन जगहों पर हम लोग अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि केबल कैसा होता है, केबल में कितनी लेयर्स होती हैं। जैसा कि आप सब डायग्राम में देख सकते हैं कि केबल में मोस्टली 6 लेयर्स होती हैं, सर्विंग, आर्मरिंग, बेडिंग, लेड शीट, इंसुलेशन और कंडक्टर। अब हम एक एक करके इन सारे लेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर या कोर की। ये बेसिकली एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है जिसमें करंट फ्लो होता है। ये सिंगल कोर भी हो सकते हैं, मल्टी कोर भी हो सकते हैं। इन कंडक्टर को हम स्ट्रेंड रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इसी के साथ साथ स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमी इफेक्ट को कम करने के लिए। तो कोर को स्ट्रेंड रखने से स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होता है। ये जो कोर होता है इसके जस्ट ऊपर एक स्क्रीन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्मली मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस को कम करता है, जिसे कंडक्टर स्क्रीन भी कह सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन की लेयर चढ़ी होती है। ये इंसुलेशन लेयर वार्निश्ड कैम्ब्रिक, वल्कनाइज्ड बिटुमन एंड इम्प्रिग्नेटेड पेपर का होता है। इसके अलावा हम VIR वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, XLPE क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन, इन सब का भी इंसुलेशन यूज़ करते हैं। ये इंसुलेशन ईच कंडक्टर पर अप्लाई होता है। अब इस इंसुलेशन के जस्ट ऊपर एक इंसुलेशन स्क्रीन होती है। ये इंसुलेशन स्क्रीन हाई वोल्टेज और मेगा वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इंसुलेशन के ऊपर वाली लेयर मेटैलिक शीथ या लेड शीथ होती है। ये शीथ एल्युमिनियम का भी हो सकता है। इसका काम होता है इंसुलेशन को मॉइस्चर और गैसेस से बचाना। अभी तक हमने ये जो तीन लेयर्स पढ़ी, कंडक्टर, इंसुलेशन और लेड शीट, ये तीनों इलेक्ट्रिकल एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं केबल में। बाकी के तीन बचे हुए लेयर्स वो मैकेनिकल एक्टिव लेयर होते हैं। चलिए उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो मेटैलिक शीट के जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है बेडिंग की। बेडिंग का काम होता है केबल को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ मेटैलिक शीथ को कोरोजन से बचाना। ओके, ये फाइब्रस मटेरियल, लाइम जूट और हेसन टेप का बना होता है। बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग लेयर होती है जो गैल्वनाइज्ड स्टील या हार्ड स्टील का बना होता है। इसका काम भी होता है मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना केबल को। और सबसे लास्ट वाली लेयर होती है सर्विंग की। इसका काम क्या होता है? यह वायुमंडलीय प्रदूषकों से बचाने के लिए जूट या हेसिन टेप जैसे निम्न ग्रेड इंसुलेटर या PVC का बना होता है। ठीक है, ये हार्ड रबर का, फाइब्रस मटेरियल का भी बना होता है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये अंडरग्राउंड केबल या इंसुलेशन केबल में 6 लेयर्स होती हैं, जिनमें 3 लेयर्स आपकी होती हैं इलेक्ट्रिकल लेयर्स, इलेक्ट्रिकल एक्टिव लेयर्स, और 3 लेयर होती हैं आपकी मैकेनिकल एक्टिव लेयर। आई होप आपको सारे लेयर्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। ये जो अंडरग्राउंड केबल्स होती है इनकी मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 50 किलोमीटर तक होती है।
अगर हमें हाई टेंशन के लिए किसी केबल का सिलेक्शन करना है तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे? तो हम उसमें देखेंगे उसकी करंट रेटिंग, वोल्टेज ग्रेड, परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप एंड शॉर्ट सर्किट रेटिंग, ठीक है। इसके अलावा हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देखेंगे। तो इस तरीके से हम केबल का सिलेक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो केबल को हमने बेसिकली तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एलटी केबल मतलब लो टेंशन केबल, एचटी केबल हाई टेंशन केबल और सुपर एचटी केबल। ओके, तो एचटी केबल में हमारे दो टाइप के आते हैं, एक आता है बेल्टेड केबल और दूसरा स्क्रीन टाइप केबल। स्क्रीन टाइप केबल भी तीन टाइप का होता है, एक एच टाइप होता है, एक एसएल टाइप होता है और एक एचएसएल टाइप होता है। अगर हम सुपर एचटी केबल की बात करें तो इसमें दो केबल्स आती हैं, जैसे ऑयल फील्ड केबल और गैस प्रेशर केबल। अब हम इन सारे केबल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलटी केबल की। इसको हम लोग 6.6 केवी तक यूज़ करते हैं। इस प्रकार के केबल में इंसुलेशन के तौर पर पेपर का यूज़ किया जाता है। कभी कभी हम इसमें रेजिन का भी यूज़ करते हैं, जिससे इसकी विस्कोसिटी बढ़ती है और हेल्प टू प्रिवेंट ड्रेनेज। अब हम बात करेंगे मीडियम एंड एचटी केबल्स के बारे में। तो एचटी केबल्स बेसिकली थ्री कोर केबल्स होती हैं, जिनका यूज 66 केवी तक करते हैं। एचटी केबल्स को दो भागों में बांटा गया है, बेल्टेड केबल और स्क्रीन टाइप केबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्टेड केबल की। तो बेल्टेड केबल का यूज हम लोग 11 केवी तक करते हैं। इनके जो कोर्स होते हैं वो सर्कुलर शेप में नहीं होते हैं, और ये जो कोर्स होते हैं वो एक दूसरे से इम्प्रिग्नेटेड पेपर से इंसुलेट होते हैं, और इन तीनों कोर को एक साथ करके पेपर बेल्ट से बेल्टेड करते हैं। बेल्टेड करने के बाद जो गैप्स होती है उसमें फाइब्रस मटेरियल लाइक जूट इनको फिल्ड करते हैं, जिससे केबल को एक सर्कुलर शेप दी जा सके। उसके बाद इस बेल्ट को कवर करते हैं लेड शीट से, जो मॉइस्चर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो ये था बेल्टेड केबल। तो अब हम बात करते हैं स्क्रीन टाइप केबल की। तो स्क्रीन टाइप केबल का यूज हम 22 केवी और 33 केवी तक करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एच टाइप केबल और एसएल टाइप केबल, और एक तीसरा टाइप भी होता है जो दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है, एचएसएल टाइप केबल। एच टाइप केबल में ईच कंडक्टर इन दिस केबल इज इंसुलेटेड विद अ पेपर कवर्ड विथ अ मेटेलिक स्क्रीन विच इज जनरली एन एल्यूमिनियम फॉयल। और हम अगर एसएल टाइप केबल की बात करें तो एसएल का फुल फॉर्म होता है सेपरेट लीड स्क्रीनड केबल। इन दिस केबल ईच कोर इज इंसुलेटेड विद एन इम्प्रिग्नेटेड पेपर एंड ईच वन इज देन कवर्ड बाई सेपरेट लीड शेथ। उसके बाद तीनों कोर को कॉटन टेप से कवर करते हैं और जो गैप्स होते हैं उनको फिलर मटेरियल से फिल करते हैं। एच टाइप केबल के अगर एडवांटेज की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस होता है वो रेडियल होता है, नॉट टेंजेंशियल, एंड हैंस ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड्स। आल्सो द मेटेलिक कवर इम्प्रूव द हीट डिसिपेशन। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एसएल टाइप केबल, इट्स एडवांटेज इज दैट द चांसेस ऑफ अ कोर टू कोर ब्रेकडाउन आर ग्रेटली मिनिमाइज्ड। ऑल्सो द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द केबल इज इम्प्रूव्ड। और यदि हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इट्स डिसएडवांटेज इज मॉइस्चर में एंटर द केबल एंड रिड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, अब हम बात करते हैं सुपर टेंशन केबल के बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑयल फील्ड केबल और गैस प्रेशर केबल। सुपर टेंशन केबल जो होते हैं इनका यूज 132 केवी से 275 केवी वोल्टेज लेवल तक करते हैं। सच केबल्स यूजिंग ऑयल और गैस अंडर प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर केबल्स। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑयल फील्ड केबल और गैस प्रेशर केबल।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल फील्ड केबल के बारे में। ऑयल फील्ड केबल में कोर्स को चैनल या डक्ट्स प्रोवाइड्स होते हैं थ्रू विच ऑयल अंडर प्रेशर इज सर्कुलेटेड। इनका यूज़ हम सुपर टेंशन केबल के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं गैस प्रेशर केबल की। इस प्रकार के केबल में नाइट्रोजन को हाई प्रेशर पे यूज़ करते हैं जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 12 to 15 होता है। ड्यू टू हाई प्रेशर देयर इज़ अ रेडियल कंपैरिजन ड्यू टू विच द आयनाइजेशन इज टोटली एलिमिनेटेड। इस प्रकार की केबल का जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत ही हाई होता है। इस केबल का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है और इसको स्टील पाइप में इंस्टॉल करते हैं और इस पाइप में नाइट्रोजन को फिल करते हैं उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो। इस चार्ट में भी आप कुछ केबल्स को देख सकते हैं जो इंसुलेशन के बेस्ड पर दिए गए हैं।